एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माय कोलैबोरेशन कलेक्शन। तो ये मेरा मार्च के मंथ का कोलैबोरेशन का कलेक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और एक चीज़ और, मैंने सिरोना के साथ काम करा हुआ था और उन्होंने ना अपने इंस्टाग्राम पर मेरी रील को रीपोस्ट करा है, तो अपने उन्होंने पेज में मतलब मुझे फीचर करा है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब प्राउडली मोमेंट था यार, क्योंकि ब्रांड के पेज में आपकी वीडियो आना, मतलब उन्हें आपकी वीडियो पसंद आई है इसीलिए उन्होंने आपको फीचर करा हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड का मोमेंट था। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो आप एक बार जरूर जाकर चेकआउट करना। वैसे तो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर तो वीडियो देख ली होगी, बट सिरोना के आप पेज में भी वो चीज़ देख पाएंगे। तो चलो, आज का जो कलेक्शन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। थंबनेल आपने देख लिया होगा, काफ़ी सारा हो गया यार, काफ़ी सारा हो गया है। जेबी है। तो मैं सोच रही हूँ स्टार्टिंग यहाँ से करी जाए, इसको मैं खाली कर देती हूँ। एक्चुअली अभी मेरी मम्मा आई हुई है ना, तो इस बार जो मैंने कलेक्शन करा हुआ है ना, अपनी मम्मा के हिसाब से भी करा हुआ है, क्योंकि वो जब जाएंगी ना तो मुझे है कि उनको जो पसंद आता है सामान, मैं वो सामान भी ऑर्डर कर रही हूँ ताकि वो इस सामान में से अपने लिए लेके जा पाएँ। तो इस हिसाब से मैं सामान भी मंगवा रही हूँ, क्योंकि ब्रांड्स का क्या होता है, वो बोल देते हैं कि आप 5000 का, अरे यार 5000 का, 3000 का ऐड कर लो, ऑर्डर कर लो, और फिर वो कंटेंट बता देते हैं कि आपको ये काम करना है हमारे साथ, तो ऐसा कुछ होता है। तो मैंने इस बार मम्मा के लिए भी थोड़ा सा सामान मंगाया हुआ है, तो चलिए आपको दिखाना शुरू करती हूँ। पहले मैंने पिलग्रिम से स्टार्ट करते हैं। तो यह है पिलग्रिम का शैम्पू, मैंने इस ब्रांड के साथ काम भी करा है, और पिलग्रिम के प्रोडक्ट यार, मैं ये दो निकाल तो लेती हूँ बट संभालती नहीं उससे। तो अच्छा हाँ, मैं मैं पिलग्रिम के साथ काफ़ी टाइम से काम करती आ रही हूँ, और मुझे पिलग्रिम का जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो जीजू आइसलैंड का सीक्रेट होता है। तो ये सीरियसली बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, इसका फेस वॉश मेरी स्किन में इतना ज़्यादा सूट करता है, और इसका शैम्पू भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको ना मस्ट ट्राई बोलूँगी, थोड़ा सा कॉस्टली लगता है मुझे प्रोडक्ट, बट बहुत अच्छे हैं। अगर आपको एक बार आपने ट्राई कर लेना, आपको लत लग जाने वाली है इनकी। तो नेक्स्ट मेरे पास है पिलग्रिम का फेस वॉश। तो एक मेरे पास फेस वॉश है, पहले भी आप लोगों ने देखा है यार, मैंने कई बार पिलग्रिम का फेस वॉश यूज करा हुआ है। और नेक्स्ट मेरे पास आया था ये हेयर ग्रोथ सीरम, अरे मुझसे नहीं संभल रहे। नेक्स्ट मेरे पास आया था हेयर ग्रोथ सीरम, तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ और मुझे फ़र्क भी नज़र आ रहा है अपने हेयर पर। और आप लोगों ने मेरा देखा है, जो भी हेयर केयर की मैं आपको टिप्स देती हूँ वो सीरियसली बहुत अच्छे होते हैं, और जब मुझे आप लोग कमेंट्स करते रहो कि दी हमने ट्राई करा और हमें रिजल्ट अच्छे मिले, जैसे चिया सीड वगैरह के लिए आपने बोला हुआ था, तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आप लोगों को बेनिफिट होने चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मेरे पास रिसीव हुआ है, और ये है फेस मिस्ट एंड टोनर। फटाफट से दिखाते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आज की। और ये मेरे पास प्लम के कुछ लिपस्टिक न्यूली लॉन्च हुए थे, तो वो आई हुई थी, एक पाउच आया था ग्रीन कलर का, और चार लिपस्टिक आई थी। पता नहीं ये कितने शेड लॉन्च हुए थे वो तो मुझे नहीं पता, बट चार शेड उन्होंने मेरे पास भेजे हुए थे, और इनके शेड के नाम बता देती हूँ। शेड इतने सुंदर है ना, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते ना तो प्लीज़ फॉलो करो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जाकर फॉलो करो। वहाँ पर ना मैं बहुत सारी रील्स डालती हूँ इनसे रिलेटेड भी, और थोड़ा बहुत वैसी रील्स भी, मतलब मेकअप वगैरह करते हुए भी, और थोड़ा बहुत ऐसी रील्स भी। तो मेरे पास जो कलर रिसीव हुआ है वो है 129, 121 और 128, 126। तो चार शेड मेरे पास रिसीव हुए हैं। आई थिंक उन्होंने आठ शेड लॉन्च हुए थे, मुझे नहीं इतना याद है, बट चार शेड मेरे पास रिसीव हुए हैं, तो वो मेरे पास हैं चार के चार, और बहुत अच्छी मतलब इनकी क्वालिटी है, बिकॉज मेरे लिप्स ना बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं कर रहे थे, पैची नहीं फील कर रहे थे, बहुत ही सॉफ्ट थे, सफल थे मेरे लिप्स, और बिल्कुल भी मुझे ड्राई फील नहीं हो रहा था, और बहुत ही लाइट वेटेड लिपस्टिक है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू प्लम। अच्छा, एक और है मेरे पास एज डिफाइंस फेस ऑयल, ये पिलग्रिम का ही है, ये मेरे पास जस्ट अभी आया है, इसकी वीडियो बननी है मेरी। तो नेक्स्ट ये है, और इस बार मैंने बेलोरा पैलेस, मुझे क्या हो गया, ब्रांड की नेम भी ढंग से नहीं ले रही हूँ। इस बार मैंने बेलोरा पैलेस के साथ भी काम किया हुआ था, तो मेरे पास तीन प्रोडक्ट इनके रिसीव हुए थे, दो थी लिपस्टिक और एक थी नेल पॉलिश। तो आपको देख सकते हैं शेड बहुत प्यारा था, आप लोगों ने ही काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी थी कि दीदी नेल पॉलिश का तो शेड है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो थैंक यू सो मच। बट ये बेलोरा पैलेस का था, और सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इनकी लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ बॉडी कैसी इनकी, आप देख सकते हो, तो कुछ इस टाइप की इनकी लिपस्टिक है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी मैं ज़्यादा तो आपको इसको डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, बस मुझे दिखाना है, फटाफट से ख़त्म करना है। ये रहा माय ग्लैम का बॉक्स, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब ये मेरे पास 6-7 डब्बे रिसीव हुए थे, क्योंकि बबल रैपिंग होकर आता ना तो 6-7 डब्बों में आया था, तब मैंने इकट्ठे एक में कर दिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे हो चुके थे। तो फटाफट से दिखाती हूँ, ठीक है। मनीष मल्होत्रा की ये नेल पॉलिश है, ये न्यूली लॉन्च है, तो ये मैंने अपनी मम्मा के लिए मंगाई हुई है। और नेक्स्ट ये मेरे पास है पोज का लिपस्टिक है, हाँ ये लिपस्टिक आई हुई है मेरे पास, और इसका शेड मैंने कौन सा मंगाया है, रिच रोज, तो रिच रोज इसका शेड है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है यार, आप खुद देख सकते हो, एकदम रिच वाली फीलिंग है, सीरियसली नाम भी सही रखा है वैसे उस हिसाब से। नेक्स्ट मैंने ये नेल पॉलिश मंगाई हुई है, पिछले मंथ भी शायद मैंने मंगाई हुई थी, या फिर इस मंथ के बॉक्स में, पिछले मंथ के बॉक्स में, ये मैंने अपनी मम्मा के लिए मंगा रखी है,
क्योंकि मेरी मम्मा को पसंद आया था मेरा काफी सारा सामान, तो इस बार जो कोलैबोरेशन का मुझे मिला तो ज्यादातर मैंने अपनी मम्मी के लिए ऐड करा हुआ है। अब क्या बार बार बताऊंगी, तो मोस्टली सामान इसमें मेरी मम्मी के लिए है, तो बस आपको दिखा दे रही हूँ मैंने क्या क्या मंगाया हुआ है। तो इस टाइप की ना 2-in-1 नेल पॉलिश में मिलती है, बहुत ही अच्छी है, मतलब अगर आप परचेज करना चाहते हो ना तो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कॉम्बो जो आता है ना दोनों का 2-in-1 वाला बहुत अच्छा लगता है, नेल्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगाया है सुपर फूड्स का बॉडी लोशन, एक बार पहले भी मंगाया था वो मेरे पास है, और दो काजल मंगाए हुए हैं, एक है पर्पल कलर का और एक है ब्लैक कलर का, पर्पल वाला तो मेरे लिए है समझ जाओ। नेक्स्ट मैंने मंगाई है माइग्लैम की ये नेल पॉलिश है, ये वाली है यार ट्रांसपेरेंट वाली है, ये जस्ट मैंने कुछ नेल्स में चिपकाने वगैरह के लिए मंगाई हुई है। नेक्स्ट मेरे पास है मनीष मल्होत्रा का, ये न्यूली लॉन्च है, ये नेल पॉलिश का आया हुआ था मेरे पास, तो ये 3 है मेरे पास, इसलिए मैंने मम्मा के लिए ये वाला मंगाया क्योंकि सिंगल वाले भी इसके आ रहे हैं, मैं आपको दिखा भी पाऊंगी अभी। तो मम्मी को तीनों कलर तो नहीं पसंद आए थे, मम्मी को जो कलर पसंद आया था मैंने वो मंगा रखा, अभी एक और आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस मंथ के लास्ट में सेकंड वाला कोलैबोरेशन का कलेक्शन में शेयर कर दूंगी या फिर नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर लेंगे उसको। तो इस मंथ का तो ऑलरेडी बहुत सारा, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बनने वाली है। तो ये मैंने मंगा रखा है, ये भी मंगाया हुआ है, ये सिंगल पीस भी आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हो। अच्छा आ गया है यार, दूसरा पीस भी आ गया है, तो आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अच्छा ये रेड कलर है, तो ये दो पीस मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगा रखे हैं, और बहुत सारी यारी लिपस्टिक आई हुई हैं, अगर आपको इनके शेड वगैरह देखने हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपके साथ ना शॉर्ट वीडियो दे दूंगी जिसमें आपको मैं शेड का नाम वगैरह और स्वेचेस वगैरह क्लियरली दिखा दूंगी। तो ये 6 शेड हैं, और एक मेरे पास ये भी लिक्विड लिपस्टिक आई है, ये न्यूली लॉन्च है, तो मेरा तो मंगाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, दो मैंने मंगाई हैं अभी, जस्ट एक ही है मेरे पास, अभी दिखाती हूँ दूसरी भी। ये बिल्कुल रिच वाला रेड कलर है, बहुत ही खूबसूरत है, अगर करवा चौथ वगैरह में आपको लगाना है तो मस्ट ट्राई, अगर आपकी शादी हो रही है ना तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, और मैं तो एमए पे ट्राई कर लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसका शेड वगैरह इसमें तो नहीं दिया है यार। अच्छा लिंक वगैरह ना मैं कोशिश करूँगी सभी के ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, माइग्लैम के तो प्रोवाइड कर ही दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने सिंदूर मंगाया हुआ है, दो कलर मंगाए थे, एक है रेड और एक है मैरून, मैं लगाती हूँ रेड और मम्मा लगाती है मैरून, तो मम्मी के लिए मैरून है और मेरे लिए रेड कलर है, तो दो मैंने सिंदूर मंगा रखे हैं, और 3 मैंने शीट मास्क मंगाए, ये है मनीष मल्होत्रा के, इनके शीट मास्क बहुत अच्छे हैं माइग्लैम के, मनीष मल्होत्रा के मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो 3 मैंने शीट मास्क मंगाए हुए हैं। नेक्स्ट मेरे पास है माइग्लैम के पोच की ये HD लिपस्टिक, इसका शेड दूसरा है, ये मॉविश में शेड है, आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, ये मॉविश टोन में शेड है, आप देख सकते हो मेरे कर्टन से थोड़ा सा डार्क है। तो नेक्स्ट मैंने 4 शीट मास्क मंगाए हुए हैं, ये मैं काफ़ी टाइम ट्राई कर चुकी हूँ, तो 4 मैंने ये फिर से मंगा रखे हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, ये मेकअप लुक करने से पहले आप अप्लाई कर लो, बहुत अच्छे होते हैं। और ये है LIT का लिप एंड आई स्पार्कल्स, यार अब क्या घूम घूम होने लगा यार, तो ये लिप और आई में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा शेड मेरे पास था इसका कोई, अब ये डिफरेंट शेड मैंने मंगाया हुआ है, ये ग्लिटर पाउडर वाला होता है, और इसका जो शेड मेरे पास आ रखा ना वो थोड़ा पीछी सा है, इस बार आपको देख सकते हो थोड़ा सा पिंकी सा कुछ इस टाइप का है, तो अप्लाई करके दिखाऊंगी। अगर आपको किसी के भी स्वेचेस देखने हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ये क्या है, मनीष मल्होत्रा की कौन सी नेल पॉलिश है अभी, ओके एक और नेल पॉलिश है, ये है मनीष मल्होत्रा की, शेड नंबर वगैरह पता नहीं कहाँ है यार, ZL29 संग्रिया सरप्राइज का शेड है, तो एक ये भी मंगाई हुई है मैंने, 3 मंगा ली मैंने, ओके मुझे याद ही नहीं है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है वाइप आउट का सोप, ये ना जम्स वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा, मैं कई बार इसे मंगा चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है ये। नेक्स्ट मेरे पास है केपले का ये रस्ट बेरी ब्लश, तो पिछली बार नहीं मंगा पाई थी मैं, इस बार मैंने मंगा लिया ये ब्लश, तो आप देख सकते हो ये ब्लश है। और नेक्स्ट ये मिनी लिप किट ना मैंने पहले भी मंगाई हुई थी, बट इस बार मैंने शेड मंगा रखी डिफरेंट है, और मैं आपको शेड थोड़ा सा चेक करा ही देती हूँ इनकी, ये ना डार्क में शेड है, तो मैं आपको ट्राई करके दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में शेड है, और नेक्स्ट वाला और डार्क है, आप देख सकते हो, और ये रहा, ओ लुक एट दिस, तो 3 शेड है, एक थोड़ा सा लाइट है और एक उससे डार्क है, एक सबसे ज़्यादा डार्क है। तो ये मिनी किट है, अगर आपको ये परचेज करनी हो ना तो आपको ये ट्राई करनी चाहिए, इसमें ना आपको 3 टाइप की मतलब किट मिल जाएंगी, तो एक मेरे पास ऑलरेडी थी वो न्यूट में थी, ये थोड़ा सा डार्क में है। तो नेक्स्ट मैंने मंगाई हुई है ये नेल पॉलिश की किट, और ये मैं 2 बार मंगा चुकी हूँ पहले भी, ये कलर नहीं डिफरेंट कलर है वो दोनों, अभी ये मैंने मंगाया हुआ डार्क वाला एज ऑलवेज मम्मी के लिए। नेक्स्ट मैंने मंगाई हुई है माइग्लैम की लॉन्ग स्टे लिप लिक्विड लिपस्टिक, ये न्यूली लॉन्च है, इसका शेड मैंने थोड़ा सा वाइन कलर में मंगाया हुआ है, ये रेड कलर था जैसे, ये वाइन कलर है आप देख सकते हो, वाइन बोलेंगे इसको पर्पल बोलेंगे, इसमें शेड का नाम शायद वाइन था यार, पर्पल कलर है वाइन इसके शेड का नाम है। और नेक्स्ट मैंने मंगाई हुई है ये कौन सी लिपस्टिक है, XOXO की लिपस्टिक है ये, और इसका शेड नंबर यार आज मैंने ये दोनों निकाल दिया आगे से, बड़ा रिपीट करता है,
रेड कलर है और इसका शेड का नाम क्या है, कितना कन्फ्यूजन हो गया है। बॉम्ब सेल, जितना मैंने मैस कर दिया ना अभी बहुत फैला दिया है। बॉम्ब सेल इसका नाम है और ये मैंने पहले अपनी मम्मी को दी हुई थी ना, तो उस टाइम जब मैंने दी थी मुझे पता था मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, इस बार मैंने अपने लिए ऑर्डर करी हुई है। तो इसका शेड बहुत खूबसूरत है और लिप्स में ना ये बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होती है, बहुत ही लाइट वेटेड है और काफ़ी स्मूथ है। नेक्स्ट मैंने मंगाया हुआ है ये आईब्रो फिलर, इसमें एक साइड आपको स्पूली मिल जाती है और एक साइड आपको आईब्रो फिल करने के लिए पेंसिल मिल जाती है। तो आप देख सकते हो इसका शेड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट है क्योंकि मेरी आईब्रोज थोड़ा सा लाइट है, तो उस हिसाब से मैंने मंगाया हुआ है। नेक्स्ट मैंने दो ये नेल रिमूवर मंगाए हुए हैं, ये इसी तरीके से पैक हुए थे अच्छे से बबल रैप होके, मैंने वैसे ही रखे हुए हैं एज ऑलवेज एक मम्मी के लिए मेरे लिए। और एक मैंने ये कॉम्पैक्ट मंगाया हुआ है, ये मैंने पहले भी मंगाया हुआ था, अभी दोबारा मंगाया हुआ है। क्यों मंगाया हुआ है आप लोग जानते हो, तो मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने दोबारा मंगा रखा है। नेक्स्ट मैंने फोर वाली आई शेडो किट मंगाई हुई है, इसके दो शेड मेरे पास है, मतलब जो दो किट है इसकी मेरे पास है, ये वाली किट नहीं थी तो ये वाली मैंने मंगा ली। तो आपको देख सकते हो ये मैग्नेट इस पर लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्लोज हो जाती है खुद ही, मतलब पर्स वगैरह में मैस नहीं होगा। लास्ट माइक लैम्प का प्रोडक्ट है ये मेरे पास, लिक्विड लिपस्टिक जेल इसके स्वेचेज ना मैं बाद में ही दे दूंगी, काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। अब बारी है सिरोना के बॉक्स की, सिरोना का ये सामान मुझे सारा रिसीव हुआ है, जस्ट आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, कितनी हड़बड़ी में होना मैं क्योंकि मुझे ना ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। ये है पेन रिलीफ पैचेस, आपने देखे होंगे ये पीरियड्स में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से चिपका देने होते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत मतलब रिलीफ काफ़ी ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट मेरे पास है ये मेंस्ट्रुअल कप वॉश, अगर आप यूज़ करते हो तो आपके पास ये मेंस्ट्रुअल कप वॉश होना चाहिए, मैंने उसमें वीडियो में दिखाया था, आप लोग बोलते थे हम तो डर लगता है यूज करने से, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था, बट इतना मतलब रिलीफ मिलता है ना, फील भी नहीं होता यार कुछ, मतलब यूज़ भी कर रहा है फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट सेकंड टाइम से बिल्कुल भी आपको इरिटेशन नहीं होगी। ये है सिरोना का इंटीमेट वॉश और ये है पीएमएस, ये गमीज हैं, गमीज मैं स्मिटन से मंगा रही थी और मुझे पूरा बॉक्स मिल गया और मैंने बहुत सारी खा भी ली है गमीज, जैसे टॉफी है इस तरीके से खाली बने। तो ये है सिरोना का फोर ब्लेड रेजर है ये, तो अभी तो मैंने ओपन नहीं करा है तो इनका रिव्यू वगैरह ऐसे नहीं दे पाऊंगी, जो यूज़ करा है उसका रिव्यू जरूर आप लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह में देख लिया होगा। तो ये है सिरोना का लिप ट्यूब मॉइस्चराइजिंग, ये वाटर बेस्ड है। तो नेक्स्ट ये है, और मैंने विंटर कह रही हूँ समर आ चुकी है तो मैंने थोड़ा सा ना मॉस्किटो से बचने के लिए स्प्रे वगैरह और ये ट्यूब वगैरह मंगा लिए, क्रीम वगैरह, तो तीन सिरोना के मेरे पास आए हुए हैं, ये मैंने खुद ही मतलब मंगाए हुए थे, पे सिरोना ने ही करा है वो क्योंकि पॉइंट्स वगैरह देते हैं हमें अपने में शॉपिंग करनी होती है, तो मैंने ये ऐड कर लिया था क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। और नेक्स्ट मैंने मंगाई हुई है एलोवेरा पोस्ट वैक्स सेविंग जेल, ये सिरोना की जेल है क्योंकि वैक्स वगैरह करने के लिए सही रहती है। और ये है पैड फ्री पीरियड मेंस्ट्रुअल कप जो कि अभी खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे यूज कर चुकी हूँ, तो सिरोना का बॉक्स खाली। अब बारी है सेंट बोटानिका की, तो सेंट बोटानिका में मुझे रिसीव हुआ है फेस मास्क और फेस क्रीम, फेस स्क्रब और फेस वॉश और ये रहा फेस सिरप, तो पांच चीज़ मुझे रिसीव हुई हैं वो भी होली को लेकर। और जी हाँ, क्या मस्त प्रोडक्ट है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बस ब्रांड के पास अभी वीडियो गई हुई है, वो अलाउ कर दें, वो हाँ बोल दें तो फिर मैं जल्दी से इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँ उसे। क्या मस्त प्रोडक्ट है, सीरियसली बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। तो बस गाइस यही था मेरा सारा कलेक्शन इस बार का जो मैंने इकट्ठा करा हुआ है, अभी और आना है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का आना है, माई ग्लैम का आना है, अभी और सामान आना है मेरा, बट इस मंथ शायद मैं एंडिंग में ना एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोलैबोरेशन का कलेक्शन पार्ट टू, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैंने सर्दी में नहीं लिया था ना कोलैबोरेशन की, ठंड हो रही है नहीं लेना है अभी, इस बार ज़्यादा ही ले लिया, गर्मी आ गई करके, और यूट्यूब में मैं रेगुलर नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी, बट अब मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगी और पहले की तरह अपना प्यार बनाकर रखो यार, कहाँ गायब हो जाते बीच बीच में, अच्छा दीदी गायब हुई तो पहले भी गायब होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं यार होता है, जब बंदा बनाने वाला ही YouTube से गायब है तो देखने वाले क्या देखने आएंगे यार, कोई बात नहीं, मैं फिर से रेगुलर होने ही वाली हूँ, होने वाली क्या हूँ, हो ही गई हूँ। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आई होगी, क्या बोल रही हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप यूट्यूबर हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लगे रहिए, आपके पास ज़रूर ब्रांड कॉन्टैक्ट करेंगे, और ब्रांड को ना परेशान मत करना ये बोल के काम दे दो काम दे दो काम दे दो, नहीं देता कोई काम, कोई भी नहीं देता है, इसलिए आप अपने काम पर फोकस करिए, आप खुद को ब्रांड बनाइए, ब्रांड आपको खुद अप्रोच करने आएंगे क्योंकि ब्रांड फिर ब्रांड से बात करेगा ना, इसलिए आप कभी झुककर मत बात करिए और ना ही इरिटेट करिए, आप एक बार बोल सकते हो कि काम के लिए, बट बार बार मत उनको परेशान करिए, ठीक है। और गाइस अब तो आपको ये इसी का आवाज़ आएगा ही आएगा क्योंकि गर्मी आ चुकी है,
रही है। अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक तो देगा ही देगा, मैं कोशिश करूंगी बैकग्राउंड में थोड़ा सा शांत वाला म्यूजिक लगाने की ताकि इसकी आवाज़ दब जाए और मेरी आवाज़ आप लोगों के पास आ सके। तो बस यार वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है एक छोटा सा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लीजिए, उससे आपको मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो जल्दी ही मिलती है एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।